नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। इस परिवार को देखिए, बड़े अरमान और उत्साह के साथ अपने रिश्तेदार के घर पड़ोसी देश पाकिस्तान गया था। मौका शादी का था तो ये पूरा परिवार एक महीने का वीजा लेकर अपनों के खुशियों में शरीक होने गया था। लेकिन किसे पता था कि ये परिवार वापस अपने वतन नहीं लौट पाएगा। 2 साल से ये परिवार पाकिस्तान में वीजा ऑफिस के बाहर चक्कर काट रहा है, इस आस में कि शायद इस बार उन्हें घर वापसी मिल जाए, उन्हें अपने देश अपने घर जाने दिया जाए। लेकिन हाथ सिर्फ और सिर्फ निराशा लगती है। कभी कभी सरहदें रिश्तों पर भारी पड़ जाती हैं। ये पूरा मामला रामपुर में रह रहे एक परिवार का है। यहाँ के निवासी माजिद ने एक पाकिस्तानी युवती ताहिर जबीन से सन 2007 में शादी की थी। माजिद ताहिर जबीन को पत्नी बनाकर अपने घर रामपुर लाया था। पत्नी को लॉन्ग टर्म वीजा मिल गया और तब से ही वो उसके साथ रह रही थी। इस बीच उनके 3 बच्चे भी हुए, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन पाकिस्तानी विवाहिता महिला के भाई की शादी में शरीक होने पति पत्नी और बच्चे पाकिस्तान चले गए। इसके बाद से पूरा परिवार पाकिस्तान में ही फंस गया। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में पिछले 2 साल से भारत आने के लिए हर तरह की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आ नहीं पा रहे। और रामपुर में पति की माँ बहनों का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। पूरा परिवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार लगा रहा है। ये हमारी भाभी हैं, उनके भाई की क्या नाम बताए, शादी थी 2022 अक्टूबर के महीने में। वहाँ शादी में गए थे हमारे भाई, 2 हमारे भतीजे और 1 भतीजी। शादी में गए थे नूरी वीजा पे और 2 साल हो गए। 2 दिन उनकी वीजा के निकल गए थे, 2 साल हो गए, वहाँ फंस गए। हमारे भाई की भी वीजा लग रही है, भतीजों की भी और हमारी भाभी की नहीं लग पा रही है। LIU से भी सारे पेपर भेज दिए, सब कुछ भेज दिए और उनकी वीजा लग नहीं पा रही है। सरकार से मोदी जी से ये दुहार है कि हमारा पूरा परिवार सुरक्षित हमारे देश में आना चाहिए। मेरे भाई का नाम माजिद हुसैन है, उन्होंने पाकिस्तानी उनसे शादी की थी। हमारी फप्पो हैं पाकिस्तान में रहती हैं, उनकी लड़की उससे शादी की थी। शादी करने के बाद वो यहाँ पर आ गए थे, लॉन्ग टर्म वीज़ा से आ गई थी भाभी हमारी, तो हमारे भाई लेकर आ गए थे। अब साथ में रहते रहे, यहाँ पर बच्चे हुए, 2 लड़के हुए, 1 लड़की हुई यहाँ पर। अब तो ये है ना कि उनकी उनकी माँ भी, हमारी भाभी की माँ भी पाकिस्तान में रहती है, परिवार उनका वहाँ पे है, तो इसकी वजह से उनका आना जाना लगा रहता है। 1-2 टाइम गई हैं, 2007 में शादी हुई थी, 1-2 टाइम गई, यहाँ आ गई। तो अब जब 2022 में अब गई, भाई की शादी में गई थी नूरी वीजा पे 3 महीने की, उसके बाद वो नहीं आ पाई। 1-2 दिन उनकी पता नहीं किस वजह से निकल गए थे, उसके बाद उनकी वीज़ा ख़राब हो गई। उसके बाद ये हमारे भाई का फ़ोन आता है कि हमें बुला लो, ऐसे ऐसे परेशानी में है। और जहाँ जहाँ उन्होंने हमें बोला, हम वहाँ वहाँ गए और जो जो हमें पेपर बोले, हमने वो पेपर सब दिए। हमारी मोदी जी से ये गुहार है, हमारे लिए इतने हुआ, हमारे भाई को हमारी भाभी की वीज़ा लग जाए, जिसकी वजह से हमारे भाई भी आ जाए। हमारे भाई के तो आ सकते, बच्चे भी आ सकते, लेकिन वो अपनी बीबी बेगम को लेके आएंगे साथ में। यहाँ पे जो उनकी परेशानी होगी, यहाँ पे कौन देखेगा, वहाँ पर अकेली रहेगी तो बच्चों को यहाँ पे कौन पालेगा। दरअसल रामपुर निवासी माजिद हुसैन की शादी पाकिस्तानी निवासी ताहिर जबीन से हुई थी, जिसके बाद ताहिर जबीन 2007 में लॉन्ग टर्म वीजा पर भारत आई थी। शादी के बाद माजिद हुसैन के 3 बच्चे हुए। साल 2022 में ताहिर जबीन अपने भाई की शादी में अपने पति पत्नी बच्चों के साथ नूरी वीजा पर मायके पाकिस्तान गई, लेकिन किसी कारण से वीजा के 2 दिन निकल गए, जिससे उनका वीजा खराब हो गया। वो 2 साल से वहीं पाकिस्तान में फंसे हुए हैं और अब दोबारा वीजा नहीं मिल पा रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।